इंदौर में बीजेपी महिला पार्षद का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी पार्षद संध्या यादव एक ऑटो रिक्शा से कांग्रेस का नोटा पोस्टर निकालते हुए नजर आ रही हैं, जिसके बाद सियासी पारा चढ़ गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर में बीजेपी पार्षद ने निकलवाया नोटा पोस्टर, आग बबूला हुई शोभा ओझा, कहा यह बीजेपी की तानाशाही। इंदौर में छिड़ा नोटा संग्राम, कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। बीजेपी पार्षद के वायरल वीडियो से गरमाई सूबे की सियासत। इंदौर की लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी की नाम वापसी के बाद पार्टी ने नोटा का ही बटन दबाने का अभियान छेड़ दिया है। जवाब में बीजेपी ने रणनीति बदली है। कांग्रेस प्रत्याशी के मैदान में रहते बीजेपी ने 8 लाख वोटों से चुनाव जीतने का लक्ष्य रखा था, उस टारगेट को बढ़ाकर 11 लाख कर दिया है। कांग्रेस के नोटा अभियान के बीच विधानसभा 1 के वार्ड 6 से पार्षद संध्या यादव का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में पार्षद यादव ऑटो रिक्शा के पीछे लगे नोटा अभियान के पोस्टर को हटाती नजर आ रही हैं। वहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस के नोटा कैंपेन की सूत्रधार शोभा ओझा आक्रामक हो गई। कांग्रेस नेत्री शोभा ओझा ने इसे बीजेपी की तानाशाही करार देते हुए भाजपा नेताओं पर निशाना साधा। देखिए, नोटा का जो पोस्टर लगा है वो लोकतंत्र बचाओ समिति द्वारा लगाया गया है और भारतीय जनता पार्टी लगातार इंदौर में नीचे से नीचे स्तर तक गिरती जा रही है। एक तरफ वो अपहरण कर लेते हैं कांग्रेस के कैंडिडेट का, चुनाव नहीं लड़ने देते, दूसरी ओर नोटा में जो लोग वोट डालना चाहते हैं उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या किस तरह से लगातार करती जा रही है और डरा धमका के जिस तरह की राजनीति गुंडागर्दी इंदौर में चल रही है बहुत ही निंदनीय है। और आखिर क्या डर है भारतीय जनता पार्टी को, सवाल ये उठता है। वो इंदौर की जनता को मूर्ख समझ रही है, उनके मौलिक अधिकार जो उनकी लोकतांत्रिक अधिकार है उसको छीन रही है और लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रही कि वो संविधान और लोकतंत्र से बड़े हैं, वो चाहे जो करना चाहे वो कर सकते हैं। पर फिर मैं कहूँगी कि इंदौर की जनता समझदार है और वो निर्णय ले चुकी है, नोटा का बटन दबाएगी चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे कुछ भी कर लें। कुल मिलाकर बीजेपी विधायक के वायरल वीडियो से सूबे का सियासी पारा बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।